नमस्कार, आज हम लोग क्लास 10 पार्ट 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6.2 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 6.2 में लिखा है, आकृति दिया हुआ है, इनमें ज्ञात करना है मान किसी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, इसमें यह आकृति बनी हुई है, ये आकृति है ए बी सी और ये एक लाइन खींची हुई है डी ई और 1.5 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक ना। हमको क्या ज्ञात करना है, ई सी ज्ञात करना है, ठीक ना। तो लिखते हैं, हमको ई सी ज्ञात करना है, इसको हल करते हैं। तो देखिए, इसके लिए एक प्रमेय लगेगा जो पहले बताया गया है, इसको बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ठीक ना। तो इस प्रमेय के बारे में पहले थोड़ा जान लिया जाए। तो ये प्रमेय बोलता है, यदि किसी त्रिभुज के, ये रहा त्रिभुज, ठीक ना, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक ना। तो अगर किसी भुजा के एक, किसी त्रिभुज की एक भुजा से और दूसरी भुजा के समानांतर, ठीक ना, ये बिंदु कहीं भी लगा लीजिए, यहाँ लगाएं चाहे यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए, कहीं से भी एक भुजा के से और दूसरी भुजा के समानांतर होना चाहिए। तो ये खींच दिया हमने समानांतर और तीसरी भुजा को यहाँ इसने टच किया, ठीक ना। तो यदि ये है, देखते हैं, ये देखिए, यदि डी ई समानांतर बी सी, है ना, ये लाइन यदि इस भुजा के समानांतर है, ठीक ना, इस त्रिभुज में पहली भुजा के किसी भी बिंदु से, ठीक ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी और दूसरी भुजा के इसको समानांतर खींचना है, इसके समानांतर हम खींच रहे हैं, तो ये तीसरी भुजा पर कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद तो करेगी ही, ठीक ना। तो ये कर लिया, ई पे किया, तो इससे क्या होगा, देखिए लिखा है डी ई, डी ई समानांतर बी सी, तो देखिए इन भुजाओं का अनुपात ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी ये होता है, ठीक ना, ये बटे ये बराबर ये बटे ये होता है, यही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहता है, ठीक ना। तो इसके लिए ये हो गया। अब देखिए, इसको अगर हम ये फोटो यहाँ भी बना लें, जैसे ये लिखा, ये देखिए ये बना एक त्रिभुज, ठीक ना, अगर मैं यहाँ से भी खींचूँ, यहाँ से इस बिंदु से इस लाइन के समानांतर यहाँ पर किया, देखिए ए बी सी डी ई, ठीक ना। तो यदि डी ई समानांतर बी सी यदि है, है ना, ये लाइन इसके समानांतर है, तो क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी हो जाएगा, ठीक ना। यदि ये भुजा यहाँ ही क्यों नहीं खींची हो, ठीक ना, मतलब कहीं भी हो, बस इस लाइन के समानांतर हो, तो ये बटे ये और ये बटे ये होता है, ठीक ना। पी क्यू डाल दें यदि, तो लिखेंगे ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, ठीक ना, ये होता है, यही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अंतर्गत यही स्टेटमेंट यही होता ही है, ठीक ना। अब देखिए, यदि इसका हम विलोम की बात करें, ठीक ना, यदि इसके विलोम की बात करें, देखिए ये क्या होता है विलोम, यदि किसी त्रिभुज में, जैसे एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी, ठीक ना, और इसमें क्या है कि यदि ऐसे कोई लाइन खींचा हो और ये डी और ई लिखा हो, ठीक ना, और यदि हमको दिया हो, यदि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ठीक ना, मतलब ये बटे ये बराबर होगा ए ई बटे ई सी, यदि इस प्रकार दिया हो, तो हम कहेंगे
कि DE समानांतर BC है। देखिए इसमें और इसमें देखो विलोम यही होता है। इस वाले प्रमेय में देखिए पहले हमने लिखा है कि ये यदि समानांतर है तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये होता है, ये प्रमेय कहता है। यदि हम इसका विलोम करें तो देखिए ये पहले दिया हुआ है आपको, मतलब इन भुजाओं का अनुपात यदि बराबर है तो ये भुजा इसके समानांतर होगी। इसको बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम। तो ये लिख लेते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम, है ना, ये विलोम है ये। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब क्वेश्चन करते हैं इसमें। देखिए इस प्रमेय को थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं, ये थेल्स प्रमेय भी कहलाता है, थेल्स प्रमेय, ठीक ना। आपको याद रखिएगा एग्जाम में एक या दो नंबर में इसका स्टेटमेंट लिखने के लिए आता है, ठीक ना। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। इसको आप इसका पूरा स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, ये फोटो बनाने के बाद ये इतना लिखना होगा आपको, ठीक ना। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक ना, ए बी सी में क्या दिया हुआ है, डी ई समानांतर बी सी, लिखिए डी ई समानांतर बी सी, ठीक ना, ये दिया हुआ है, ठीक ना, ये दिया हुआ है। तो किसी भी त्रिभुज में यदि ये लाइन इसके समानांतर है तो लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा, इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ठीक ना, ये होता है, ये प्रमेय के द्वारा होता है। तो अब इस पर मान रख देते हैं, तो AD कितना दिया है 1.5, ये 3 दिया हुआ है, AE 1 दिया है, हमको EC ज्ञात करना है। तो इसका हम त्रिया गुणा कर लेते हैं, तो लिखेंगे 1.5 EC बराबर 3 × 3, तो EC बराबर 3/1.5, ठीक ना, पक्षांतर कर दिया। अब देखिए दशमलव यहाँ लगा है, दशमलव अगर नीचे से हटाएंगे, दशमलव एक स्थान के बाद लगा हुआ है, तो यहाँ से दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर 10 लग जाएगा। तो लिखेंगे, ये लिख देते हैं, देखिए नीचे से ऊपर 10 आया तो ये 15 30 हो गया, ठीक ना, 10 हटेगा तो ऊपर 10 लग जाएगा, ये हो गया 15 × 15, 15 × 30, तो हमको क्या प्राप्त हो गया, ई सी बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इस प्रकार पहला भाग हो गया। दूसरा भाग देखते हैं इसका, दूसरा क्या आकृति बनी है, इस तरह बना हुआ ये, ए बी सी, ये है डी ई, डी और ई, इसमें डी बी दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर और ये दिया है 1.8 सेंटीमीटर और ई सी दिया है 5.4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमको ए डी ज्ञात करना है, तो ए डी ज्ञात करते हैं। तो देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर बी सी, ठीक ना, ये दिया है। तो क्या लिखेंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा, इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, AD बटे DB बराबर AE बटे इसे। तो AD का मान नहीं दिया है, हमको ज्ञात करना है, यह है 7.2
बराबर ए ही है 1.8 बटे ईसी है 5.4। तो इसका हम त्रिज्या गुणा कर लेते हैं, तो लिखेंगे 5.4 गुणे ए डी बराबर 1.8 गुणे 7.2, है ना। इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, तो ए डी निकालेंगे, ये गुणे में है तो पक्षांतर कर देते हैं, भाग में चला जाएगा 1.8 गुणे 7.2 बटे 5.4। देखिए ये सम स्थान पर ही है, दशमलव के बाद इधर एक स्थान है, दशमलव के इधर भी एक स्थान है, इसलिए ये दशमलव को हटा सकते हैं, ठीक ना। तो ये लिख लिया, या सीधे सिंपल काट लेते हैं, 18 एकम 18, 18 तिहाई 54, ठीक ना। अब इसको काट लेते हैं, 3 के पौना से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बज गया, बगल में गया, 12 हो गया, 3 चौक 12। इस प्रकार ए डी बराबर 2.4 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो ये रहा पहले प्रश्न के दोनों भाग हो गए, अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में है किसी त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक ना, तो बनाते हैं त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक ना। इसमें भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई, चलिए एक ई बना लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समानांतर क्यू आर है। तो देखिए पहला में देख लेते हैं, क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है इसमें, पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर, ठीक ना। 3.9, 3, 3.6 और 2.4 दिया हुआ है, ठीक ना। तो जो जो दिया है उसका लिख लेते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ से यहाँ मिला लेते हैं, तो पी ई बराबर 3.9, ई क्यू बराबर 3, ये दिया है 3.6 और एफ आर दिया है 2.4। तो इसको हल करते हैं, तो देखिए इसमें लिखेंगे, चूंकि अब पी ई बटे ई क्यू निकालते हैं, तो ये है 3.9 और ये है 3, तो क्या करेंगे, देखिए दशमलव एक स्थान के बाद लगा है, तो यहाँ भी हम दशमलव लगाकर इसको पहले यहाँ से लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन था 3.9 बटे 3, यहाँ दशमलव लगा के हम जीरो लगा सकते हैं, ठीक ना। या तो सरल भाषा सीधी से बात करें, देखिए ऊपर एक दशमलव लगा है, इसको जब आप हटाएंगे तो नीचे एक जीरो मिल जाता है, ठीक ना, ये दशमलव एक स्थान के बाद है तो नीचे एक जीरो उतरता है। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, 3 एकम 3, एक जीरो उतार लिया, 3 एकम 3 इकाई 9, इस प्रकार ये 13/10 प्राप्त हुआ। फिर पी एफ बटे एफ आर निकालते हैं, तो ये है 3.6/2.4। तो देखिए दशमलव दोनों समान स्थान एक स्थान के बाद लगा है, नीचे भी एक स्थान के बाद लगा है, इसलिए दशमलव हटाया जा सकता है, तो ये हमने हटा दिया। अब इसको सरल करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, ये बराबर 3/2 आया। तो देखिए दोनों बराबर नहीं आया, तो ये लिखेंगे, चूंकि पी ई बटे ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बटे एफ आर, अतः ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, ये नहीं है, ठीक ना, तो समांतर नहीं है। तो ये पहला भाग हो गया, अब दूसरा भाग देखते हैं इसी में, तो दूसरे के लिए भी यही फोटो लगेगा, बनेगा इसमें यही चीज, तो इसका भी आकृति यही बना लेते हैं, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया।
और इसको यहाँ से मिला लेंगे, ये हो जाएगा ई और ये एफ। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, देखते हैं, दिया है इसमें क्या दिया, लिख लेते हैं यहाँ पर पी ई बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, है ना, पी ई दिया है और क्यू ई दिया है, ये लिखें, पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर और आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ मान रख लेते हैं यहाँ पर, तो पी ई कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है, क्यू ई कितना है, 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ कितना है, 8 सेंटीमीटर और आर एफ कितना है, 9 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो हम इसका अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, ये हल कर रहे हैं, अब लिखेंगे पी ई बटे क्यू ई बराबर ये 4/4.5 लिख लिए। तो जब इसका दशमलव हटाएंगे तो एक स्थान के बाद है तो ऊपर एक जीरो लग जाता है, तो ये हो गया 40/45। तो लिखेंगे 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, तो ये हो गया 8/9 प्राप्त हुआ। अब देखेंगे पी एफ बटे आर एफ बराबर 8/, देखिए 8/9, देखिए दोनों बराबर आ गया। तो लिखेंगे चूंकि पी ई बटे क्यू ई बराबर पी एफ बटे आर एफ, ठीक ना, तो लिखेंगे अतः आधारभूत समानुपातिकता, समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, के विलोम से, तो क्या हो जाएगा ये ई एफ समानांतर क्यू आर, ठीक ना। तो इस तरह सरल इस तरह करते चले जाएंगे, तो दूसरा भाग भी हो गया। आप तीसरा भाग देखते हैं इसका, ये तीसरा भाग है, इसमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू, देखिए पूरा दिया हुआ है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है, पी क्यू कितना है, 1.28 सेंटीमीटर, ठीक ना। फिर पी आर, मतलब यहाँ से पूरा ही दिया हुआ है, पी आर कितना दिया है, 2.56 सेंटीमीटर, ठीक ना। और इसमें पी ई, अब ये वाला छोटा वाला दिया 0.18 सेंटीमीटर, 0.18, ठीक ना। फिर लिखा है पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इसको थोड़ा हल कर लेंगे, देखिए ये हमको पूरा दिया हुआ है और ये इतना दिया हुआ है, तो हम इस पूरे में से अगर इसको हटा दें तो ये ज्ञात हो जाएगा हमको, ठीक ना। तो इसमें देखो, देखिए क्या दिया है, देख लेते हैं, लिखा है पी ई बराबर 0.18, यहाँ लिखते हैं पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 2.28, हाँ ये सेंटीमीटर, और पी ई बराबर 0.18 सेंटीमीटर, और आर एफ दिया है 0.36 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसमें से इसको घटा लेते हैं, तो लिखेंगे ई क्यू बराबर पी क्यू माइनस पी ई, तो घटाते हैं, देखिए कितना आएगा, 1.28 में कितना घटा रहे हैं, 0.18, तो घटाएंगे तो 8 में 8 गया 0, 2 में 1 गया 1 और ये 1, मतलब 1.1 सेंटीमीटर आया, ठीक ना। अब इसमें एफ आर भी निकाल लेते हैं, एफ आर बराबर कितना हो जाएगा, पी आर माइनस आर एफ, तो 2.56 माइनस
0.36, 6 में 6 गया 0, 3 में 5 में 3 गया 2 और ये 2, तो 2.20 आया। तो अब हम ज्ञात करेंगे पी ई बटे ई क्यू बराबर, देखिए लिखा है 0.18 बटे 1.10। तो इसको हल कर दें, देखिए दशमलव दो स्थान के बाद लगा हुआ है तो इसको दशमलव हम हटा सकते हैं, तो लिखेंगे 18/110। अब इसको पहाड़ा दो के पहाड़ा से काट लेते हैं, 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, ये आया 9/55। फिर निकालेंगे पी एफ बटे एफ आर, ये कितना दिया हुआ है 0.36 बटे 2.20। यहाँ भी दशमलव दो स्थान के बाद है, ऊपर और नीचे दोनों, तो दशमलव हटा सकते हैं, तो लिखेंगे 36/220। तो ये कट जाएगा, दो के पाड़ा से काटेंगे तो जाएगा 18 और ये कटेगा 110। फिर इसको दो के पाड़ा से काटेंगे तो 2 × 9 = 18 और ये 55 आ गया, तो मतलब ये दोनों बराबर आ गया, ठीक ना, 9/55 ऊपर भी 9/55 नीचे भी आ गया। तो देखिए इससे क्या प्राप्त हुआ हमको, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, ठीक ना, ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आया हमको, तो लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, ठीक ना, विलोम से लिखेंगे ई एफ समानांतर क्यू आर, ठीक ना, तो ये हो गया, हमने सिद्ध हो गया ये समानांतर आ गया। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 के सभी भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में है, इसके लिए एक आकृति दी हुई है, तो इसको भी हम पहले बना लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में पहले आकृति बनाते हैं, तो ये आकृति है 6.18, है ना, तो 6.1 ऊपर बनाए, इसको बना लेते हैं, ये है ऐसे और इसको नीचे भी ऐसा ही है, ये है ए एम बी और एल एन और सी डी, ठीक ना, तो ये आकृति है। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए दिया है मैं एल एम समानांतर सी बी और एल एन समानांतर सी डी, ठीक ना, और हमको सिद्ध क्या करना है, इसको भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, ठीक ना, ये हमको सिद्ध करना है। तो लिखते हैं उत्पत्ति, ठीक ना, तो देखिए ए बी सी इस त्रिभुज में, ठीक ना, ये त्रिभुज ले लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, देखिए ये दिया है ये लाइन इसके समानांतर है, लिखेंगे एल एम समानांतर सी बी, ठीक ना, ये दिया है, तो दिया है, तो देखिए इस त्रिभुज में अगर ये लाइन इसके समानांतर है तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये हो जाएगा, है ना, इस त्रिभुज में, ठीक ना, ये भुजा इसके समानांतर है तो मतलब ये इनके भुजाओं का अनुपात हो जाएगा ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी, ठीक ना, क्यों हो गया, इसको लिख लेंगे
तो लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। क्या हो जाएगा इनकी भुजाओं का अनुपात? लिखेंगे AM बटे MB बराबर AL बटे LC, ठीक है ना, LC। ये समीकरण एक हो गया। इसी प्रकार ये नीचे वाला त्रिभुज देखिए, है ना, ADC में देखेंगे तो ये लाइन इसके समानांतर दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसको भी लिख लेते हैं, यहीं पर लिखते हैं त्रिभुज ADC में क्या दिया हुआ है, LN समानांतर CD, है ना, ये भुजा इसके समानांतर है ये लाइन। तो लिखेंगे AL बटे LC बराबर AN बटे ND, है ना। तो लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, प्रमेय से क्या हो जाएगा, AL बटे, ये देखिए AN बटे ND बराबर AL बटे LC, ठीक ना। समीकरण दो डाल लिए। अब देखिए इन दोनों समीकरण में इनका दायां पक्ष देखिए सेम है, AL बटे LC, AL बटे LC। तो लिख सकते हैं समीकरण एक और दो से देखिए दायां पक्ष अगर बराबर है तो इनके बाएं पक्ष आपस में बराबर होते हैं। तो लिखेंगे समीकरण एक एवं दो से, तो लिखेंगे AM बटे MB बराबर AN बटे ND, ठीक ना। तो देखिए हमको जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से AM और AN तो आ गया, AB और AD चाहिए हमको। तो क्या करेंगे, देखिए इनको पूरा पलट लेते हैं। तो इस प्रकार AM बटे MB को MB बटे AM लिख सकते हैं, ठीक ना। जब पूरा पलटता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे तो आप इसको इधर लिखिए चाहे इसको इधर लिखिए, या दोनों को उलट दीजिए, है ना, व्युत्क्रम कर दीजिए, तब भी अगर इसको किया है इसको भी किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने AM और MB को MB बटे AM लिख लिया, AN बटे ND को ND बटे AN लिख लिया, ठीक ना। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, है ना, जोड़ लेते हैं दोनों पक्षों में, वन जोड़ा और ND बटे AN भी, इसमें भी वन जोड़ दिया। अब इनका लघुत्तम ले लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, एम बी प्लस ए एम एकम ए एम पूरे के बटे ए एम हो गया बराबर एन डी प्लस ए एन एकम ए एन बटे ए एन, ठीक ना। जैसे हम लोग यहाँ लिया करते थे, यदि दो बटे तीन प्लस एक लिखा हो, ठीक ना, तो इसको हम इसको हल करते थे तीन एकम तीन लिखते थे, दो प्लस तीन बटे ये पूरा के बटे तीन हो जाया करता था। तो यहाँ भी हमने AM को लिखकर इसको इस बटे को पूरे के बटे लिख लिया, ठीक ना, ये ऐसे ही हल हो जाता है। अब देखिए इसमें AM और ये MB और अगर AM इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो AB हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ लिख सकते हैं AB बटे AM बराबर, देखिए ND को AN के संग जोड़िए तो AD प्राप्त हो जाएगा हमको, तो लिख सकते हैं AD बटे AN, ठीक ना। अब दोनों को फिर व्युत्क्रम कर दीजिए तो ये हो जाएगा AM बटे AB बराबर AN बटे AD। देखिए हमको ये सिद्ध करना था, एकदम आ गया, तो लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक ना, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर तीन हल हो गया। अब प्रश्न नंबर चार देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर चार में इसके लिए भी एक आकृति दिया हुआ है, तो पहले आकृति देख लेते हैं। प्रश्न नंबर चार 6.19 ये आकृति है। ए बी सी ये हो गया, डी ये एफ और ये ई हो गया।
ठीक ना। तो इसमें लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, डी ई समानांतर ए सी और डी एफ समानांतर ए ई, ठीक ना। ये दिया हुआ डी ई ए सी के और डी एफ ए ई के समानांतर है। अब सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है इसमें लिखा है बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी, ठीक ना। ये हमको सिद्ध करना है तो लिखते हैं उपपत्ति। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, ठीक ना। इसको मैं फिर से यहाँ बना देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये वाला त्रिभुज है, जैसे ये है ए बी सी और ये डी ई, ठीक ना। हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, देखिए ए बी सी लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में देखिए डी ई ए सी के समानांतर दिख रहा होगा तो लिखेंगे डी ई समानांतर ए सी, ये दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये लाइन इसके समानांतर, देखिए ये वाला, ये जो डी ई है ए सी के समानांतर है। इसमें दो भुजा हैं तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए हमने इसको यहाँ बना लिया है। तो देखिए ये केवल हमने जो काम का है वही वही हमने बनाया है, तो आपको ये समानांतर दिख रहा होगा ये, ठीक ना। तो ये लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका, ये हो जाएगा देखिए इसमें ये बी डी बटे डी ए बराबर बी ई बटे ई सी हो जाएगा, ठीक ना। तो लिख लेते हैं इसको बी डी बटे डी ए बराबर बी ई बटे ई सी, ठीक ना। ये पहला समीकरण हो गया। इसी प्रकार अब देखिए कौन सा त्रिभुज लेना है, देखिए यहाँ लिख लेते हैं, अब ये त्रिभुज मिटा लेते हैं। अब देखिए लिखा है, अब ये त्रिभुज ले लेते हैं ये वाला ए बी ई, ठीक ना। देखिए मैं यहाँ छोटा सा बना लेते हैं, देखिए ए बी और ई इसमें डी एफ समानांतर है ए ई के, ठीक ना। ये वाला लिया है ए बी ई में डी एफ समानांतर ए ई है, तो मैंने लिख लिया वहाँ पर। तो ये लिखते हैं त्रिभुज ए बी ई में क्या है, डी एफ समानांतर ए ई है ना, दिया है। तो लिख सकते हैं इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक ना। क्या हो जाएगा, देखिए बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ए, तो लिखते हैं यहां पर बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ई, है ना। ये बटे ये बराबर ये बटे ये होता है, तो इसको लिख लेते हैं समीकरण दो से। अब समीकरण एक और दो में देखिए, समीकरण एक एवं दो से, तो इसका देखिए ये बायां पक्ष बी डी बटे डी ए, यहाँ भी बायां पक्ष बी डी बटे डी ए है, तो दो समीकरण में अगर एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी,
तो देखिए ये हमें सिद्ध करना था, ये हमें आ गया, तो लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक ना, तो ये हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 में एक आकृति दी हुई है, उसको भी बना लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में ये आकृति दी हुई है, और एक यहाँ खींचा हुआ है, ये रहा। इसको ओ डाल देते हैं, है ना, वोट दिया है, ये रहा, इसको मिलाया, इसको मिला लिया। ये हो गया ई, ये हो गया एफ, और यहाँ से यहाँ डी को मिलाया गया है, ये हो गया डी, ये हो गया पी क्यू, ये आर। ठीक ना, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें भी यही दिया हुआ है, दिया है क्या दिया है, डी ई समानांतर ओ क्यू एवं एवं डी एफ समानांतर ओ आर। ठीक ना, ये दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है या दिखाना है, वही मतलब हुआ, सिद्ध करना है। ठीक ना, इसमें लिखा है दर्शाइए कि, तो ये मतलब हमको सिद्ध करना है, ई एफ समानांतर क्यू आर। ठीक ना, ई एफ समानांतर क्यू आर। तो देखिए हल करते हैं इसको। उत्पत्ति, अब सबसे पहले हम लोग ले लेंगे डी ई ओ क्यू। देखिए ये त्रिभुज लेते हैं पी ओ क्यू, है ना, ये वाला त्रिभुज लेते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए ये बना लेते हैं हम, यहाँ पर ये बना लिया, और ये ऐसे खींच लिया, तो ये हो गया पी ओ क्यू ई, और ये डी हो गया। ठीक ना, ये त्रिभुज ले लिया हमने, क्या लिया पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। इसमें बोल रहा है देखिए डी ई, ये डी ई समानांतर ओ क्यू के है, ये इसके समानांतर में है, तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में। डी ई समानांतर ओ क्यू, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। क्या है, देखिए ये बटे ये बराबर ये बटे ये हो जाएगा, तो लिखते हैं पी ई बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी ओ। ठीक ना, ये समीकरण एक डाल लेते हैं इसको। इसी प्रकार देखिए अब हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। ठीक ना, जैसे इस तरफ का लिया, इस तरफ का ले लेंगे, तो देखिए हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, तो आपको ये त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा ये। ठीक ना, तो अब ये त्रिभुज लेना है तो हम ये ले लेते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज पी ओ आर में। ठीक ना, तो पी ओ आर में क्या है, डी एफ समानांतर ओ आर। ठीक ना, ये दिया हुआ है, तो लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक ना, क्या प्रमेय हो जाएगा, देखिए ये बटे ये बराबर ये बटे ये हो जाएगा, तो लिख लेते हैं
पी एफ बटे एफ आर बराबर पी डी बटे ये डी ओ, ठीक ना। ये समीकरण दो हो गया है ना, ये बटे ये बटे ये हो जाएगा। तो देखिए समीकरण एक और दो से क्या बनता है, समीकरण एक एवं दो से। अब देखिए इनमें दोनों दायां पक्ष देखिए बराबर आ रहा है, पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ, तो इसका मतलब इन दोनों समीकरण के बायां पक्ष आपस में बराबर होंगे। तो इसको लिख लेते हैं पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, ठीक ना। अब इसको हम मिला लेते हैं, ये मिला लिया। अब देखिए हमको क्या ज़रूरत है, अब देखिए ये इसको हम मिटा देते हैं, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, यहाँ से हमको ये ज़रूरत नहीं था, और अब हम ये मिटा देते हैं, ये मिटा दिया, ठीक ना। अब ये त्रिभुज आपको पास मिल गया। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ये बटे ये दिया हुआ है, पी ई बटे ई क्यू दिया हुआ है और पी एफ बटे एफ आर दिया हुआ है, ठीक ना। मतलब इस त्रिभुज के भुजाओं का ये भुजाओं के अनुपात बराबर है, तो इसका मतलब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से ये इसके समानांतर हो जाएगा, ठीक ना। यदि ये बराबर ये बटे ये बराबर ये बटे ये अगर हो तो ये भुजा इसके समानांतर होती है, है ना, इसके विलोम से होता है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं हम आधारभूत समानुपातिकता के समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, ई एफ समानांतर क्यू आर, ठीक ना, ई एफ क्यू आर के समानांतर हो जाएगा। इस प्रकार ये भी सिद्ध हो गया, तो लिखेंगे इति सिद्धम। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 हो गया।